दोस्तों मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए कि कोई बसा बसाया शहर अचानक ही रातों रात खाली हो जाए तो यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज से 58 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हो चुका है। यहाँ के पेंसिल्वेनिया में स्थित सेंट्रालिया टाउन को रातों रात खाली करा लिया गया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद यहाँ रहने वाले लोग मारे जाते। अब यह शहर लगभग वीरान हो चुका है और इस वजह से यह गोस्ट टाउन के नाम से मशहूर हो गया है। हालांकि यहां लोग घूमने के लिए अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जगह जगह बोर्ड लगाकर उन्हें इस शहर में होने वाले खतरों से आगाह किया गया है। दरअसल यहां जमीन के नीचे भयंकर आग लगी हुई है जो 58 साल से लगातार जल रही है। सेंट्रालिया का यही रहस्य दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। तभी इस शहर में 1400 के करीब लोग रहते थे, लेकिन 2017 तक यहां सिर्फ 5 लोग ही बच गए थे। उस टाउन के नाम से जाना जाने वाला सेंट्रालिया कभी कोयले की खदानों के लिए मशहूर था, लेकिन बताया जाता है कि साल 1962 में शहर के आसपास फैले कचरे में आग लग गई थी। इसके बाद वो आग धीरे धीरे जमीन के नीचे मौजूद कोयले की खदानों तक जा पहुंची। जमीन के नीचे लगातार बढ़ती आग की वजह से शहर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसें फैलने लगी। इस वजह से शहर में रह रहे लोगों ने ये जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। विशेषज्ञों की माने तो सेंट्रालिया में जमीन के नीचे अभी भी इतना कोयला मौजूद है कि ये जगह करीब 250 साल तक लगातार जलती रहेगी। इस आग की वजह से यहाँ की सड़कें गल गई हैं और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं जिनसे 24 घंटे धुआं निकलते रहता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने जमीन के नीचे लगी इस आग को बुझाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसमें अरबों रुपए खर्च हो जाते। इस वजह से सरकार ने सेंट्रालिया की आग बुझाने के बजाय यहाँ के लोगों को दूसरे शहरों में बसाना ही ठीक समझा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।